अखिलेश और तेजस्वी ने मिलाया हाथ, मुश्किल में कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की तैयारी। अखिलेश और तेजस्वी के साथ से कांग्रेस को आ सकती है मुश्किल। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत कुछ संदेश दे रही है। अखिलेश सपा के चीफ है तो तेजस्वी यादव के हाथ में आरजेडी की कमान। वैसे पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी के पिता लालू यादव है, लेकिन पार्टी के नीतिगत फैसले के लिए लालू ने तेजस्वी को ही नियुक्त किया है। बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ है तो सपा कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही है। ऐसे में अखिलेश और तेजस्वी की मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। हालांकि दोनों के बीच ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन दोनों के बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बातचीत के दौरान वो काफी सहज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर थे। वे इस दौरान दिवंगत नेता शरद यादव के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव को श्रद्धांजलि देने आए थे। तभी दोनों के बीच मुलाकात हुई। हालांकि दोनों के रास्ते में रुककर बातचीत करते हुए नजर आए। वैसे दोनों नेताओं की मंजिल एक है, एक साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है। लेकिन ना तो तेजस्वी यादव और ना ही अखिलेश यादव पीएम बनने की दावेदारी कर रहे हैं। दोनों की इच्छा भी साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस किसी भी दल का नेता पीएम नहीं बने। अखिलेश यादव को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का न्योता दिया था, गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस से किसी भी न्योते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं, यानी जैसे सपा बीजेपी से दूरी बनाकर चलती है वैसी ही दूरी वो कांग्रेस से भी बनाकर चल रहे हैं। अखिलेश की निगाह सीएम पद पर है और ये कुर्सी अभी 4 साल उन्हें नहीं मिलेगी, ये अखिलेश को भी पता है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे। अखिलेश यादव राहुल गांधी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव भी राहुल के रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी के रिश्ते भी अच्छे हैं। फिर भी तेजस्वी यादव राहुल गांधी को पीएम बनते नहीं देखना चाहते। तेजस्वी पीएम पद को लेकर नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी की निगाह भी सीएम पद पर है। अभी बिहार में तेजस्वी डिप्टी सीएम है, लेकिन वो सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि पहले नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दें। आरजेडी लगातार ऐलान कर रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और पटना में तेजस्वी यादव शासन करेंगे। शुरुआत में तो जेडीयू की ओर से भी नीतीश की पीएम पद की दावेदारी का जोर शोर से उठाया गया, लेकिन जब ये साफ हो गया कि नीतीश के नाम पर दूसरी पार्टियां साथ आने को तैयार नहीं है तो नीतीश कुमार और जेडीयू ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। नहीं तो 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नीतीश के सीट की तलाश भी शुरू हो गई थी। दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार बिहार की नालंदा और यूपी की फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, यानी उनके 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत से नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और इस बातचीत पर सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड की भी नजर है। अगर अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर नीतीश की दावेदारी बेहद मजबूत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।